नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में वन विभाग के दिन अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपको बताएं कि अधिकारियों के यहाँ बिहार के जांच एजेंसियों के छापे पड़ रहे हैं, तो वही वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर शराब की मांग करने की जो है आरोप लग रहे हैं। आपको बताएं कि जमुई में आदिवासियों के द्वारा ये आरोप लगाया गया है वन के अधिकारी और कर्मचारियों पर कि उनके गांव में रात को पहुंचा जाता है और अधिकारियों के द्वारा शराब की मांग की जाती है और शराब नहीं देने पर हंगामा किया जाता है और एक महिला के साथ मारपीट किया जाता है। आपको बता दें कि जमुई का नक्सल प्रभावित जंगल का इलाका है जहां आदिवासी रहते हैं। आपको बता दें कि लगभग एक दर्जन वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वहां पहुंचते हैं रात को 9 बजे और वहां पर ग्रामीणों का दरवाज़ा पीटते हैं और उनसे शराब की मांग करते हैं कि हमें शराब चाहिए, क्योंकि ये पता है कि जो आदिवासी लोग जो हैं वो देसी स्तर पर जो है देसी टाइप का वो शराब बनाते हैं, सेवन करते हैं। ये झारखंड में और जो झारखंड से सटे हुए आदिवासी इलाके हैं वहाँ इसका प्रचलन है। और जब शराब कहा जाता है आदिवासियों के द्वारा कि वो शराब नहीं बनाते हैं, नहीं है मेरे पास, तो जो वन के अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनके द्वारा हंगामा किया जाता है और एक महिला के साथ मारपीट भी की जाती है। आपको बता दें कि उसके बाद पूरा गांव जो है आदिवासियों का वो उमड़ उठता है और जो वन के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो झाझा थाना को फोन लगाते हैं कि हमें हमारी सहायता कीजिए, हमें निकालिए। लेकिन नक्सल इलाका था, पुलिस एकाएक नहीं पहुंच सकती थी, तैयारी करके उन्हें आना होता है, इसलिए विलंब हुआ। और इस बीच वन के अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो किसी तरह वहां से भाग के बाहर आए। और आपको बता दें कि जो ग्रामीण जो हैं जो आदिवासी हैं वो झाझा थाना पहुंचे हैं और वहां पर वो आंदोलन कर रहे हैं कि FIR दर्ज किया जाए। वन जो बिहार के वन सेवा या वन डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी अधिकारी वहां पहुंचे हुए थे, जिन्होंने हंगामा किया, शराब की मांग की, उन पर FIR दर्ज किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात बताएं कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। वही आपको बता दें कि वन के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि अवैध रूप से लकड़ी की कटाई की जाती है इन आदिवासियों के द्वारा और उसी के छापेमारी में वन विभाग की टीम गई हुई थी गाँव में और ग्रामीणों के द्वारा जो है उसका विरोध किया गया और उसके बाद जो है उन्होंने गलत आरोप हम पे लगाया है। तो ले देकर जो भी हो, लेकिन स्थितियां जो है वहाँ वन विभाग और आदिवासियों के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण हो गई है और लगातार एक पक्ष दूसरे पक्ष पे आरोप लगा रहा है। तो आपको बता दें कि पुलिस का ये फर्ज है कि वो जाँच करे रियलिटी क्या है। अगर इन लोगों के द्वारा शराब की मांग की गई है तो ये बहुत ही बड़ा दंडनीय अपराध है बिहार में, और खासकर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों को शपथ दिलाई गई है शराबबंदी को लेकर, और ऐसे में वो शराब के लिए मारपीट करते हैं, हंगामा करते हैं, ये तो जघन्य अपराध हुआ। या फिर वन विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों के द्वारा फंसाया जा रहा है कि अवैध रूप से वो लकड़ी या कटाई करते हैं और छापेमारी के लिए हो गए, तो पूरे गांव के द्वारा विरोध हो रहा है। तो जो भी है मामला क्लियर होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि मीडिया में यही खबरें चल रही हैं कि शराब की तलब में वन विभाग के अधिकारी जो हैं वो आदिवासी ग्रामीण इलाकों में गए और वहां पर उन्होंने हंगामा किया और महिला के साथ मारपीट किया। तो देखिए इस पर क्या होता है, लेकिन ये बड़ा ही रोचक स्थिति बना हुआ है जहाँ पर एक डिपार्टमेंट की तरफ शराब की मांग की जाती है तो वही डिपार्टमेंट ग्रामीणों पर आरोप लगाता है कि अवैध रूप से लकड़ी की कटाई की जाती है और उसकी छापेमारी में हो गए हुए थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।